कल मैंने आपको भैया तीन चार चीजें बताई थी, ठीक है भैया। आज आगे बढ़ा रहे भैया किरचॉफ्स रूल, ठीक है भैया। किरचॉफ्स रूल जल्दी फटाफट बता के खत्म करते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। किरचॉफ्स रूल क्या कहते हैं भैया? किरचॉफ्स लॉ क्या था भैया? ओए कह रहे भैया गुड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज गुड एमिटर। कह रहे भैया जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो एमिट भी क्या करेगा भैया? ज्यादा ही करेगा भैया। और गुड एब्जॉर्बर का मतलब होता है भैया ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और गुड एमिटर का मतलब भी क्या भैया? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है वो गुड एब्जॉर्बर भी होती है और गुड एमिटर भी होती है। अगर मैं बात करूं इसकी एमिसिविटी की तो वो क्या होती भैया? 1। और इसकी एब्जॉर्प्टिविटी की, एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करूंगा तो वो भी क्या होगी भैया? 1 होगी, ठीक भैया। और इसका जो भाई प्लीज यार बोलिए मत, ठीक है। इसकी जो एमिसिव पावर होगी, एमिसिव पावर को मैंने क्या लिखा था भैया? ए से। वो क्या होगी भैया? मैक्सिमम, ठीक है भैया। तो इतना ही ध्यान रखिए भैया, ज्यादा इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखना भैया किरचॉफ्स लॉ रूल बोलता है भैया गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर, ठीक है भैया। खैर इसको आगे बढ़ रहा हूँ भैया, मिटो रहा हूँ मैं, ठीक है भैया। वीडियो से देख के बनाना, ठीक है, टाइमिंग, ठीक है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते भैया, ओए ध्यान दीजिए भैया, अरे चुप हो जाइए, ठीक है भैया। बात करते हो भैया आगे, तो भैया आगे जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लॉ है, ठीक है भैया, और काफी ज्यादा एग्जाम में आ भी रखा है उसे, ठीक है भैया। तो हम बात करने आ रहे हैं भैया स्टीफन लॉ। क्या भैया? स्टीफन लॉ, स्टीफन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं, ठीक है भैया। चलो पूरे नाम लिखता हूँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है भैया? स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन लॉ कहता है भैया कि कोई बॉडी है, ठीक है भैया, जिसका सरफेस टेम्परेचर क्या भैया? टी है। सरफेस टेम्परेचर क्या भैया? टी है। तो ये लगातार क्या करेगी भैया? एनर्जी बाहर की तरफ रेडिएट करेगी, लगातार एनर्जी क्या करेगी भैया? बाहर की तरफ रेडिएट करती है, ठीक है भैया। तो कह रहे भैया इसके द्वारा जो रेडिएट की गई एनर्जी है, इसके द्वारा जो रेडिएट की गई एनर्जी है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, थ्रू पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मान लीजिए थ्रू पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इतनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। कह रहा है ये जो एनर्जी होती है टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही स्टीफन्स लॉ है। क्या कहता है भैया? कि जो एनर्जी रेडिएट करता है, एच से लिखा था, किससे लिखा था मैंने इसमें? एच से लिखा था, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया ये एच क्या भैया? एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम थ्रू पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से जो एनर्जी रेडिएट की जा रही है वो क्या है भैया? इसके सरफेस टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, ठीक है भैया। ये हो गया एच इज डायरेक्टली मोड बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं भैया? कि जो हीट रेडिएटेड बाय बॉडी है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली है। एंड एक और फैक्टर होता है जिसे कहते हैं भैया एमिसिविटी। क्या कहते हैं भैया? एमिसिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी बॉडी की एमिसिविटी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी, किसी बॉडी की एमिसिविटी कम है तो कम एनर्जी को रेडिएट करेगी। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। खैर लॉ तो यही है, ठीक है भैया, ये लॉ है, ठीक है भैया। इसको हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूल समझ में आ जाए। तो एच इज डायरेक्टली मीन टू क्या होगा भैया? ई टी की पावर क्या होगा भैया? 4, वेयर ई क्या भैया? एमिसिविटी, ठीक है भैया। ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है भैया? 1 होती है। तो एमिसिविटी की वैल्यू ध्यान रखना, एमिसिविटी की जो वैल्यू लाई करती है वो क्या होती है भैया? 0 से ज्यादा होती है, ठीक है भैया, 1 से कम या 1 के बराबर, 1 के बराबर होती है ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है भैया। तो इसकी रेंज है, तो ये हो गया एच इज इक्वल्स टू में सिग्मा, इसे कहते हैं भैया बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। ई टी की पावर 4, ठीक है भैया। सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻¹⁸। एसआई यूनिट वगैरह हम निकाल लेंगे, ठीक है भैया, होती है वैसे जूल, चलो अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं बता दूंगा, ठीक है भैया।
तो ये कौन सी एनर्जी है भैया? ओए ये कौन सी एनर्जी है जो बॉडी ने पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से निकाली है, पर यूनिट टाइम से? एनर्जी रेडिएटेड बाय, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम थ्रू पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, यानी एक सेकंड में एक मीटर स्क्वायर से इतनी एनर्जी निकाली है। एक सेकंड में एक मीटर स्क्वायर से इतनी एनर्जी निकाली, ध्यान दीजिए भैया, एक सेकंड में एक मीटर स्क्वायर से इतनी एनर्जी निकाली है। ठीक है भैया, अब देखिए, एनर्जी रेडिएटेड बाय, एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी थ्रू ए यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, मतलब कि ए यूनिट एरिया से एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकालेगी। देखिए भैया, ये एनर्जी थी जो एक यूनिट एरिया से एक सेकंड में निकली है, एक यूनिट एरिया से एक सेकंड में निकली है। तो मैं कह रहा हूं भैया, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी ए यूनिट एरिया से लेकिन एक सेकंड में, तो भैया क्या करेंगे, एक यूनिट एरिया से इतनी एनर्जी निकली है, तो ए यूनिट एरिया से कितनी निकलेगी, ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो गया, एच इक्वल्स टू में सिग्मा ई टी की पावर 4 इंटू में, ये कौन सी एनर्जी भैया, ध्यान गया, पर यूनिट टाइम में ए यूनिट एरिया से, पर यूनिट टाइम में, ये वो एनर्जी है जो बॉडी ने ए यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में मतलब क्या होता है, पर सेकंड, एक सेकंड में ए यूनिट एरिया से इतनी एनर्जी निकली। ठीक है भैया, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी, एनर्जी रेडिएटेड, रेडिएटेड बाय बॉडी थ्रू ए यूनिट एरिया, ए यूनिट एरिया इन टी यूनिट टाइम। देखिए भैया, एक यूनिट एरिया एक यूनिट टाइम, ध्यान दीजिए भैया, एक यूनिट एरिया एक यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड एक मीटर स्क्वायर से इतनी एनर्जी निकली, तो ए एरिया से टी टाइम में कितनी एनर्जी निकलेगी, तो भैया क्या होगा, सिग्मा ई टी की पावर 4 ए इंटू में टी, इतनी एनर्जी निकली। देखिए भैया, ये है, ये कौन सी एनर्जी है बॉडी के द्वारा रेडिएट की गई एनर्जी, जो एक यूनिट एरिया से एक सेकंड के लिए निकली, एक यूनिट एरिया से एक सेकंड के लिए एनर्जी निकलेगी, वो ये है। ये क्या भैया, ये वो एनर्जी है जो एक सेकंड में निकली है, किससे, ए यूनिट एरिया से। ये वो एनर्जी है जो टी टाइम में ए एरिया से निकली है, मतलब कुल एनर्जी रेडिएट हुई है टी टाइम। हाँ भैया, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में सबको क्लियर है भैया, यही कहता है बोल्ट्जमैन लॉ, कहता है भैया कि एनर्जी रेडिएटेड बाय, देखिए भैया, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया थ्रू पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर, क्या कह रही है, यही एच एरिया एंड टाइम क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया भी ज्यादा होगा, कल बताया था ज्यादा, रेडिएटेड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो रेडिएटेड एनर्जी कम होगी, समझ गई, ठीक है भैया, तो ध्यान देना भैया, भाई लिखने का मौका नहीं दूंगा, लिख घर पे लेना, ठीक है भैया, करब खत्म कराना है चैप्टर, क्वेश्चन भी कराने साथ साथ में, ठीक है भैया, तो भैया ये बोल्ट्जमैन लॉ है, बोल्ट्जमैन स्टीफन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, कह रहा है एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम यानी एक सेकंड में थ्रू पर यूनिट एरिया यानी एक मीटर स्क्वायर से, जो एनर्जी निकलती है वो टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये लॉ है, हमने यहाँ पे क्या किया, एमिसिविटी भी लगा दिया, क्योंकि आपको पता है एमिसिविटी के भी एनर्जी रेडिएट होती है बाहर की तरफ, वो एमिसिविटी के भी क्या होती है भैया, डायरेक्टली होती है एमिसिविटी के, ठीक है भैया, ओए उसके बाद कंबाइन कर दिया, ये आपका फॉर्मूला निकला, यहाँ पे जो सिग्मा है वो स्टीफन कॉन्स्टेंट है, हमेशा इसकी वैल्यू एक रहेगी, ये कौन सी एनर्जी है भैया, जो एक यूनिट एरिया से एक सेकंड में निकल गया, ये कौन सी एनर्जी है, जो ए यूनिट एरिया से एक सेकंड में निकल गई, ये वो एनर्जी है जो एक टी टाइम में ए यूनिट एरिया से निकल गई, ये मतलब कुल एनर्जी बॉडी के द्वारा रेडिएट की गई है, बड़ा क्लियर है सबको, आप बताओ भैया जल्दी से, जल्दी एक सेकंड में भैया फोटो ले लो इसकी, टाइम नहीं है, देखने का मौका दूंगा, मिटो दूंगा, वीडियो देखते रहना, ओए अब देखिए भैया, ओए चुप रहे भैया, चुप रहे,
चुप रहे मार्क्स उतार, ऐसी बैठ रही हो, ठीक है भैया। देखिए भैया अब इसी लॉ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं भैया, दो बॉडी है, ठीक है भैया, दो बॉडी है, ध्यान दीजिए भैया प्लीज, बोलिए नहीं कोई भी, ठीक है भैया। ये एक बॉडी है, इसका एरिया ए है, मान लीजिए चलो मैं एरिया ए वन कर देता हूं इसका, ठीक है, ठीक है। हीट एक्सचेंज इन पर यूनिट टाइम, हीट एक्सचेंज इन बिटवीन, हीट एक्सचेंज इन बिटवीन बॉडीज, हीट एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना भैया इसी स्टीफन लॉ से, ठीक है भैया। एक बॉडी है या दूसरी बॉडी है, इसका सरफेस टेम्परेचर क्या भैया, टी वन है, इसका जो एमिसिविटी है वो क्या भैया, ई वन है, इसका एरिया ए वन है, ठीक है भाई। चलो भैया टाइम इसको मैंने कितना दिया, टी तक दिया, ठीक है भैया। इसकी एमिसिविटी क्या भैया, ई टू, इसका एरिया ए टू, इसका टेम्परेचर टी टू, इसके भी टाइम मैंने क्या दिया, टी, दोनों, तो ये दोनों आपस में हीट एक्सचेंज करेंगी, तो नेट हीट एक्सचेंज इन बिटवीन टू दोनों बॉडी के बीच में जो नेट हीट एक्सचेंज हुई है, नेट हीट एक्सचेंज, नेट हीट, नेट टोटल हीट या टोटल हीट एक्सचेंज, टोटल हीट एक्सचेंज कितना हो भैया, तो भैया पहली बॉडी जितनी हीट रेडिएट करेगी माइनस दूसरी बॉडी, वही हीट का एक्सचेंज होगा ना, हीट का एक्सचेंज अगर मैं बोलूंगा, अगर मान लीजिए इसको 20 रुपए दे, इसको 5 रुपए दे, कुल कितना एक्सचेंज हुआ, 15 के तो हुआ है, कैसे निकला भैया, 20 माइनस 5 कर दिया मैंने, ठीक है भैया। तो नेट हीट एक्सचेंज कैसे निकलेगी भैया, पहली बॉडी की कुल हीट माइनस दूसरी बॉडी की कुल हीट, ठीक है भैया। पहली बॉडी कुल हीट कितनी होगी बता किशन, पहली बॉडी कुल हीट कितनी होगी, पहली बॉडी की कुल हीट कितनी होगी, बोल, बहुत मारो अभी मुंह तोड़ दो, ध्यान रखिए जवान जितनी चलती है ना उतना दिमाग नहीं चलता तेरा, क्या हो भैया H1 बताइए भैया, ए सिग्मा कांस्टेंट तो वही रहेगा, ई टू ए टू, और क्या हो भैया, टी टू की पावर 4 और भैया स्मॉल टी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, पहली बॉडी ने इतनी हीट रेडिएट की दूसरी बॉडी ने, दूसरी बॉडी देखते हैं ना भैया पहले, आगे कोई बात नहीं, कोई आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा होगा उससे माइनस करना आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। अच्छा इसमें देखिए माइनस सिग्मा ई वन ए वन टी वन टी, ठीक है भैया, कॉमन क्या आएगा, सिग्मा पावर 4, ठीक है भैया, ये हो गया, तो ये हो जाएगा भैया टी कॉमन ले लीजिए, क्या हुआ ई टू ए टू टी टू की पावर 4 और ये क्या हुआ ई वन ए वन टी वन की पावर 4, ठीक है भैया, ये नेट एक्सचेंज हुआ है। अगर दोनों बॉडी की एमिसिविटी 1 होगी तो क्या होगा, ए टू टी टू ए वन टी वन, अगर दोनों का एरिया भी एक एक मीटर स्क्वायर ले लोगे तो क्या होगा, टी टू स्क्वायर, और टाइम भी एक सेकंड ले लोगे तो क्या होगा भैया, समझ गए भैया, अगर मान लीजिए टाइम को एक सेकंड ले लो तो ये एक टाइम तो गया खत्म, ठीक है भैया, एरिया भी एक मीटर स्क्वायर ले लो दोनों का तो ये एरिया भी क्या हुआ, खत्म हो गया, एमिसिविटी भी एक एक, एक, एक ले ली, ब्लैक बॉडी मान लिया, दोनों बॉडी क्या भी है, ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये भी ब्लैक बॉडी, ये वाली ब्लैक बॉडी, तो इसकी ई की वैल्यू क्या होगी, 1 1, वो भी क्या होगा, खत्म, ठीक है भैया। तो ये फॉर्मूला भी है, ध्यान रखना आपको, ये है आपका स्टीफन लॉ, इसके ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं दो, धड़ाक धड़ाक फटाफट चलो, ठीक है भैया, मिटो रहा हूं मैं इसको, क्लियर है भैया, ऑनलाइन में सबको क्लियर है, क्लियर है भैया, चलो मिटो रहा हूं मैं इसको, नहीं भैया क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, एक पहला सीबीएसई का करेंगे जल्दी से, देख भैया पहला क्वेश्चन है भैया, कह रहा भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए भैया, कह रहा ए, कह रहा भैया कैलकुलेट टेम्परेचर इन केल्विन, आपको टेम्परेचर निकालना है केल्विन में,
एट विच दी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलो तो इसका ई क्या होगा भी आपका वन, मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ क्वेश्चन का, ठीक है आप लोग कॉपी कर लेना। और कह रहा भैया क्वेश्चन कह रहा भैया परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो एमिसिविटी क्या होगी भैया, इसकी वन होगी, ठीक है भैया। फिर कह रहा भैया रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 5.67 जूल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट दे रखा है आपका सब कुछ, ठीक है भैया। तो एनर्जी रेडिएट कितनी है भैया 5.67 जूल, जूल वाट लिख लो, वाट मतलब जूल पर सेकंड होता है क्या, ठीक है भैया, जूल पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा इसको एमकेएस में चेंज कर लो तो 5.67 जूल पर सेकंड, सेंटीमीटर को मीटर अपॉन में क्या होगा 100 होगा, पावर क्या होगी माइनस दो, तो 5.67 जूल पर सेकंड क्या होगा भैया आपका पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का 10 की पावर माइनस 4 होगा, तो दो है इसकी पावर, ठीक है भैया ये हो गया। तो 5.67 इंटू 10 पावर प्लस 4 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया ये आपकी बॉडी के द्वारा रेडिएट की गई एनर्जी है, ठीक है भैया ये बॉडी के द्वारा रेडिएट की गई एनर्जी है जो बॉडी रेडिएट कर रही है, ठीक है भैया। अब देखिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, कह रहा भैया आपको सिग्मा दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखा 5.67 इंटू 10 इज पावर माइनस 8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर माइनस 4 ये दे रखा है आपको, ठीक है भैया। तो आपको निकालना भैया टेम्परेचर बॉडी का, क्या निकालना भैया टेम्परेचर। तो भैया देखिए H क्या होगा, H क्या होता भैया यहाँ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो एरिया और ये की तो बात ही नहीं करेंगे हम, ठीक है भैया, तो कि सब एक एक है, ठीक है भैया। तो H क्या होगा भैया सिग्मा E T की पावर 4, क्योंकि T और ये तो क्या है भैया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। अब देखिए H कितना भैया, देखिए 5.67 इंटू 10 पावर 4, ठीक है भैया यूनिट मतलब लगाइए छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू क्या सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8, ठीक है भैया। और इसकी ई की वैल्यू क्या भैया 1, और टी की पावर 4 हमें निकालनी निकालनी, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये परली साइड में आ गया तो क्या हो 10 की पावर 12 हो जाएगा, टी की पावर क्या होगा 4, ये क्या हुआ 10 की पावर 3 4 टी की पावर 4, ठीक है भैया ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो टी क्या हो गया 1000 केल्विन, क्या हो भैया 1000 केल्विन। क्लियर है भैया सबको क्वेश्चन, ठीक है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ इसका, ठीक है आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ। क्वेश्चन भेज दूंगा इसका मैं 2 मिनट में। अबे इसमें भी तेरे को दिक्कत हो रही है क्या, ओए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया अगला, एनसीईआरटी का एग्जांपल, ओए चुप हो जा, ध्यान दीजिए भैया। कह रहा भैया एक थिन ब्रास रेक्टेंगुलर शीट है, थिन ब्रास रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है भैया, शीट मतलब टू डायमेंशन बॉडी है, ठीक है भैया। उसको गर्म किया जाता है, अच्छा उसका डायमेंशन दे रखा है एरिया, ओए डायमेंशन दे रखा है लंबाई दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर बोले तो 15 × 10^-2 मीटर, और चौड़ाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर बोले तो 12 × 10^-2 मीटर, ठीक है भैया ये दे रखी है इसका डायमेंशन, ठीक है भैया। एरिया क्या होगा इसका भैया, तो आपका पता है भैया 12 × 60 और क्या होगा भैया 12 और क्या हो जाएगा भैया 12 और ये क्या होगा 18 180, ठीक है भैया 180 × 10^2 क्या होगा भैया आपका माइनस 4, तो यह 1.8 × 10^-2 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया रेक्टेंगुलर शीट का एरिया। अच्छा एक बार तो अब ये शीट है, ध्यान दीजिए भैया, तो जो ये शीट होगी इसको गर्मी भी दो जगह से मिलेगी, दो साइड से, और रेडिएट भी दो साइड से करेगा, यानी जो एरिया जिससे रेडिएट कर रहा है वो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, टोटल एरिया ऑफ फॉर हीट एमिशन के लिए कुल एरिया क्या होता है, डबल कर दो इसको 2 × 1.8 × 10^-2, क्योंकि आपका पता भैया दो साइड से हीट भी लेगा, दो साइड से रेडिएट भी करेगा, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा भैया इसका 3.6 × 10^-2 मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। कह रहा है इस मटेरियल की एमिसिविटी रखिए 0.025 एमिसिविटी इतनी रखिए इस मटेरियल की, ठीक है भैया एरिया पता लग गया, ध्यान दीजिए। कह रहा भैया इसको टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या भैया 600 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में करेंगे तो क्या होगा 873 केल्विन के आसपास आएगा, 273 जोड़ूंगा ना उसमें तो 873 हो जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद कह रहा भैया सिग्मा की वैल्यू दे रखी है अपने आपको 5.67 × 10^-8,
भैया इधर किया, कह रहा भैया बताइए कि जब इसको निकाला गया शीट को बाहर निकालेंगे जब हम हीट से, ध्यान दीजिए भैया, जब हम इसको बाहर निकालेंगे, इस शीट को बाहर निकालेंगे भैया, तो बताइए इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी आपको पर सेकंड। तो एक बार बताओ भैया इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, जितनी हीट ये लॉस करेगा उतनी दे दे पर सेकंड में, तो जितनी हीट लॉस करेगा उतनी हीट दे देंगे, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा हमेशा मेंटेन रहेगा। तो चलो लॉस ऑफ हीट निकाल लेते, तो भैया लॉस ऑफ हीट इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम क्या होता है भैया, याद आपको सिग्मा ई टी की पावर 4 इनटू में एरिया, टाइम नहीं रखा इसका मतलब पर यूनिट टाइम है ठीक भैया। सिग्मा की वैल्यू क्या भैया 5.67 इनटू 10^-8 और ई की वैल्यू क्या भैया 0.025 दे रखा है, टी की वैल्यू क्या भैया 873 की पावर 4 और ए की वैल्यू क्या भैया ये निकाल रखी हमने क्या है भैया 3.6 गुणे में 10^-2। सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया इतना ही एनर्जी लॉस करेगा, इतनी हम इसको दे देंगे ऐड कर देंगे, सेम एनर्जी सप्लाई टू शीट, ठीक है टू शीट फोर फिक्स्ड टेम्परेचर, इतनी हीट हम इसको सप्लाई कर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर क्या रहे भैया फिक्स रहे। क्लियर है भैया सबको, जल्दी बताओ फटाफट, आंसर क्लियर है भैया सबको, क्वेश्चन भेज रहा हूं भैया इसका मैं, भैया देखिए एक क्वेश्चन आईआईटी में आया था मिटो रहा हूं मैं इसको, ठीक है ठीक भैया ध्यान दीजिए भैया, अब क्या कह रहा भैया आईआईटी में क्वेश्चन आया था, कह रहा भैया एक स्पेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक स्पेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस क्या भैया 12 सेंटीमीटर, बोले तो 12×10^-2 मीटर, एरिया क्या होगा सरफेस एरिया 4πr² क्या हो भैया r² अच्छा भैया बोल रहे हैं भैया ब्लैक बॉडी है, क्या भैया ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, हाँ ठीक है भैया, अरे हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भैया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी होने कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भैया। तो भाई मान लिया इसकी एमिसिविटी क्या भैया ई रहेगी ठीक है भैया, और इसका एरिया a1 रखा है टी टाइम के लिए, भैया देखिए ओए चुप हो जाओ, टाइम क्या भैया नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं इसमें ठीक है भैया। अच्छा भैया पर सेकंड, देखिए भैया एनर्जी जो रेडिएट कर रहा है वो पर सेकंड, मतलब अगर पावर भी रखी होगी तो पावर क्या होती है भैया एनर्जी एक सेकंड की, एक सेकंड की एनर्जी को हम पावर कहते हैं, तो पावर मतलब एक सेकंड की एनर्जी की बात कर रहा है, तो जो एक सेकंड में एनर्जी रेडिएट कर रही है बॉडी वो है भैया क्या 450, क्या भैया 450 वॉट यानी जूल पर सेकंड, टेम्परेचर क्या इसका भैया 500 केल्विन, कितना भैया 500 केल्विन, ये पहली बॉडी है। चलो भैया इसके लिए इक्वेशन लिख लूं, तो भैया क्या होगा आपका पता है सिंपल सा नॉर्मल इक्वेशन होगी, क्या होगी भैया H1 इक्वल्स टू में सिग्मा तो सेम ही रहेगा, E1 तो रहेगा E क्योंकि बॉडी चेंज नहीं कर रहा मैं दूसरे केस में भी, ये भैया एरिया क्या भैया आपका 4πr1 को ले लिया भैया, R1 तो पता ही आपको r1² ठीक है भैया, r1 पता ना वैल्यू डाल दीजिए, और क्या भैया इसका टेम्परेचर क्या भैया 450 की पावर 4 ठीक भैया, ये पहली इक्वेशन होगी कोई दिक्कत तो नहीं भैया। दूसरे केस में कर दिया रेडियस को आधा कर दिया, पहले वाले केस का R1 का आधा कर दिया, मतलब क्या हुआ 6×10^-2 500 केल्विन, अच्छा 500 ठीक है भैया, ध्यान दीजिए रेडियस को हमने क्या कर दिया आधा कर दिया ठीक है भैया, एरिया क्या कर दिया भैया एरिया भी क्या होगा आधा जाएगा सर, आधा नहीं होगा 4πr² r² कर देंगे ठीक है भैया, r2 लिख देंगे यहाँ पे ठीक है भैया। अच्छा एमिसिविटी तो वही रहेगी क्योंकि बॉडी सेम है अभी, मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या भैया यही निकालना है, क्या निकालना भैया अच्छा पावर रेडिएटर निकालना है, h2 निकालना है, टेम्परेचर क्या भैया h2 निकालना है, टेम्परेचर अभी भी वही है T2 = T1 = 500 केल्विन ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी देखिए h2 ये कितनी इसकी वैल्यू रखी है कितनी है भैया ये 450, H1 की वैल्यू क्या रखी भैया 450,
एस टू निकालना क्या होगा सिग्मा ई, तो वही रहेगा एरिया क्या होगा भैया 4πr² और टेम्परेचर क्या भैया 500 केल्विन। सेकंड इक्वेशन होगी पावर चार, ये भैया डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या होगा भैया आपका H1 अपॉन में S2। देखिए भैया ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भैया 4π से 4π क्या हो गया कैंसिल हो गया, R1² अपॉन में R2² और 500 से 500 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है भैया आपको क्या निकालना है H2, तो H2 इक्वेशन में क्या हो गया H1 इंटू में R2² अपॉन में R1² ठीक है भैया। ये तो क्या H1 कितना भैया 450, R2 क्या भैया 6×10⁻²² का होल स्क्वायर ठीक भैया, और ये R1 क्या भैया 12×10⁻²² का होल स्क्वायर ठीक भैया। सॉल्व कर लीजिए H2 आ गया, समझ गया भैया आंसर आ गया, क्लियर भैया सबको, क्लियर है क्लियर है। ये कितना आंसर है, कितना आंसर है इसका, पता नहीं क्या हो गया भाई, चलो मिटो भाई से, ओए मिटो जल्दी से, बढ़िया। स्टीफन लिखे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय स्टीफन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय स्टीफन लॉ, अरे तुम्हें नहीं न्यूटन्स देख लो भैया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय स्टीफन लॉ, लॉ ऑफ कूलिंग बाय स्टीफन लॉ, स्टीफन लॉ से आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग करना भैया। देखिए आसान सा टॉपिक है भैया, आराम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है भैया। देखिए क्या है, देखिए भाई प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है भैया, ये देखिए आपको पता भैया स्टीफन लॉ का, देखिए ये टेम्परेचर यहाँ पे मैं भाई प्लीज बोलिए मत, ठीक है भैया। अभी अभी हमने देखा भैया स्टीफन लॉ क्या कहता है भैया कि सिग्मा इक्वल्स टू में, ठीक है भैया, अगर देखिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, दोनों बॉडी परफेक्टली तो ई क्या होगा 1 होगा, टाइम भी हमने 1 ही ले लिया है, ठीक है भैया, एरिया भी हमने 1m² ले लिया, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा, ये क्या लिखा जाएगा, ये दो बॉडी है दोनों परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ठीक है भैया, इसका टेम्परेचर क्या भैया टी है, तो इसका क्या है T0 है, ठीक है भैया। तो इनके बीच में जो नेट हीट एक्सचेंज आएगा क्या आएगा भैया, ठीक है भैया, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है भैया। तो जो पर यूनिट टाइम में जो हीट एक्सचेंज आएगा इनके बीच में, ठीक है भैया, तो क्या आएगा भैया सिग्मा T^4 − T0^4, यही आएगा नहीं आएगा, मान लीजिए T > T0 है तो यही होगा, पर यूनिट टाइम में जो हीट एक्सचेंज होगा क्या होगा, यही होगा, क्योंकि टी ज्यादा है T0 से। अच्छा ये पर यूनिट टाइम का, ठीक है भैया। अच्छा इसको अगर आप ऐसे भी कर लो, ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया भैया कि ये जो नेट हीट एक्सचेंज आ रहा है वो मैं पर यूनिट टाइम दोनों के लिए सेम दे रहा हूँ, ठीक है भैया। तो क्या होगा सिग्मा टाइम दोनों के लिए सेम है, ठीक है भैया, ये क्या होगा भैया आपका T^4 − T0^4, ठीक है भैया, बाय स्टीफन लॉ यही कहता है ना भैया, यही कहता है कि अगर टी टाइम में अगर दोनों बॉडी के बीच में हीट एक्सचेंज देखा जाएगा तो इतना ही तो होगा। अच्छा भैया इसे क्या करते हैं H/T कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये क्या हो जाएगा सिग्मा T^4 − T0^4, ठीक है भैया, इसको लिख दो H/T, H/T क्या है भैया, अच्छा हीट, ये क्या है हीट है, अच्छा हीट क्या होती है आपको पता है, एक काम करते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी लिख देता हूँ मैं, इसको ज्यादा सही रहेगा फिर, ठीक है, एक मिनट जाओ फिर, नहीं मेरे को वो लॉ लाना ना पूरा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम dt,
डीटी टाइम में जो इन दोनों बॉडीज के बीच में नेट हीट का एक्सचेंज हुआ है वो क्या होगा भैया? डीएच इक्वल्स टू में क्या होगा भैया आपका? सिग्मा डीटी टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, यही होगा। टी टाइम लेता तो यहां पे टी लिखता है, डीटी लिया तो डीटी, ठीक है भैया। ये हो जाएगा एच डीटी सिग्मा टी की पावर 4 टी नॉट की पावर 4, ठीक है भैया। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब देखिए भैया हमने क्या किया, एच क्या होता भैया? एच जब हीट का एक्सचेंज हुआ तो बॉडी के टेम्परेचर में भी चेंज आया होगा। कितने टाइम में चेंज हुआ भैया? डीटी टाइम में चेंज हुआ है। तो ध्यान रखिए भैया, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट इन टाइम डीटी, बॉडी चेंज इट्स टेम्परेचर बाय डीटी। इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है बॉडी का, ठीक है भैया। इतने टाइम में इतने हीट का एक्सचेंज हुआ है तो जो टेम्परेचर चेंज होगा दोनों बॉडी का इतना ही तो चेंज होगा, एक का इतना बढ़ जाएगा, इतना घट जाएगा, है ना। तब देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, तो आपको पता भी है स्पेसिफिक हीट, ये जो हीट होगी वो किसके बराबर होगी? टेम्परेचर। अगर मैं इस हीट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो क्या होगी भैया? स्पेसिफिक हीट मास ऑफ बॉडी इंटू में क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे एच क्या होगा? वो हीट है, तो हीट कैसे निकलेगी भैया? स्पेसिफिक हीट मास ऑफ बॉडी इंटू में जो टेम्परेचर का चेंज आया, तो ऐसे निकलता है ना भैया स्पेसिफिक हीट। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो जो हीट इन्वॉल्व होती है, जो एक्सचेंज होती है, उसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, स्पेसिफिक हीट मास इंटू में डीटी, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको सी एम डी टी, और ये क्या हो भैया? डी टी, और ये क्या हुआ? सिग्मा टी की पावर 4, इसको लिख दिया टी की पावर 2 माइनस टी नॉट की पावर 4 2, ये क्या हो भैया? टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला खोल देगा, क्योंकि पावर 4 है इसलिए हमने इस तरीके से लिखा इसको, ठीक है भैया। अच्छा देखिए भैया, डी टी अपॉन में स्मॉल डी टी, ये क्या हो भैया? आप देखिए सिग्मा सी एम लिख दिया इसको भैया, इसको लिख दिया। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं भैया? टी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, ठीक है भैया। और ये क्या हो भैया? टी, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फ्री फॉर्मुला बन रहा है, ये क्या लिखूं इसे भैया? टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर प्लस में, और टी माइनस टी नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब देखिए भैया, मैंने बोला है, देखिए ध्यान दीजिए भैया, न्यूटन्स कूलिंग लॉ जब वैलिड रहता है तो उसका मतलब दोनों का सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। न्यूटन्स कूलिंग लॉ जब वैलिड रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग का लगभग जो टेम्परेचर है वो आसपास ही हो, क्या हो? आसपास ही हो, ठीक है भैया। तो यहाँ पे ध्यान रखना भैया, इसको पहले एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, डी टी अपॉन में डी टी। अच्छा ये पूरी चीज क्या भैया? कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, और ये क्या भैया? मास भी कॉन्स्टेंट, तो इसको लिख दिया भैया अनदर कांस्टेंट के लिख दिया। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या हुआ? टी की पावर 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या हुआ? टी नॉट स्क्वायर इनटू में टी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या हुआ? टी नॉट टी स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या हुआ? टी नॉट क्यू, टी माइनस टी नॉट, ठीक है भैया। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब मैं बता रहा हूं भैया कि इन केस ऑफ न्यूटन कूलिंग लॉ, न्यूटन कूलिंग लॉ जब देखोगे ना, वो तो एग्जांपल दिया था मैंने चाय और उसका, चाय और एटमॉस्फेयर का, लेकिन न्यूटन कूलिंग लॉ जब अप्लाई होता ना, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर क्या होता भैया? उसमें कंडीशन दी होती है, ठीक है भैया। एनसीईआरटी पढ़ना तो उसमें कंडीशन बोलेगा कि टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग का लगभग क्या होना चाहिए भैया? बहुत पास में होना चाहिए, यानी टी नियरली इक्वल्स टू टी नॉट, दोनों का आसपास होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है भैया। न्यूटन कूलिंग लॉ की यही कंडीशन होती है। तो इसका मतलब क्या भैया? ये क्या भैया? टी क्यू, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसको भी हम क्या लिखते हैं भैया? ये दोनों बराबर है ना भैया, इसको भी लिख देते टी क्यू, इसको भी क्या लिख देते भैया? टी क्यू, इसको भी क्या लिख देते भैया? टी क्यू, टी माइनस टी नॉट, क्योंकि दोनों टेम्परेचर बराबर है तो भैया क्या होगा? यही हो जाएगा। अब ये क्या हो भैया? 4 टाइम्स टी क्यू, यहाँ पे लिख दिया डी टी अपॉन में डी टी, और ये क्या हो भैया? के, ये क्या हो भैया? 4 टी क्यू, और टी माइनस टी नॉट। अब देखिए भैया, ओए ये पूरी टर्म क्या होगी भैया? अनदर कांस्टेंट है, पूरी टर्म क्या होगी भैया? एक नई कांस्टेंट है, ठीक है भैया। क्योंकि आपको पता है भैया, दोनों का टेम्परेचर जब सेम रहेगा तो एक्सचेंज होके भी टेम्परेचर वही आना आपका रिजल्ट। अब बहुत पास में ना, तो एक आग जो पॉइंट में डिग्री बढ़ेगा तो उसका व्यू तो नहीं तो आएगा, तो मतलब यह टेम्परेचर जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है,
अब ये चाहे सिस्टम का ले लू चाहे सराउंडिंग का ले लू, जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है तो चेंज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चेंज फिक्स रहेगा ना। तो भैया किसका मतलब क्या है, ये पूरी टर्म क्या होगी? कांस्टेंट। तो dT T इज डायरेक्टली टू T माइनस T नॉट, यही क्या भैया न्यूटन का कूलिंग लॉ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। याद है प्रूफ ऑफ न्यूटन कूलिंग लॉ। दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो भैया फटाफट, लास्ट है। भाई देखिए एक ए, अरे एक बार सुन ले, ध्यान से सुन लीजिए भैया। देखिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे एक बार देखना ठीक है भैया, कुछ भी नहीं होगा इसमें। आपको पता भैया अभी देखिए, देखिए मैंने कहा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम dt में जो हीट का एक्सचेंज होगा क्या होगा भैया? यही होगा, क्योंकि तो दोनों परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ठीक है भैया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर अप्लाई करके हमने न्यूटन्स लॉ ड्राइव किया है। तो भैया देखिए आपको पता है इस dt टाइम में जो हीट का एक्सचेंज हुआ उससे एक बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? स्मॉल कैपिटल dt बढ़ गया होगा ठीक है भैया, और एक का dt इंक्रीज, मतलब जो चेंज हुआ वो dt का हुआ है ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट इन टाइम dt बाय चेंज इट्स टेम्परेचर, सो यार लिख दिया ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट इन टाइम dt द चेंज इन टेम्परेचर, द चेंज इन इट्स, द चेंज इन इट्स टेम्परेचर बाय dt। तो भैया इतने टाइम में जो हीट का एक्सचेंज हुआ है उसकी वजह से जो टेम्परेचर का चेंज हुआ है क्या भैया? dt हुआ है। तो आपको पता भैया जो हीट का लेन देन हुआ होगा कितना होगा? यही हुआ होगा, याद है जो हीट का लेन देन cm डेल्टा t, याद है स्पेसिफिक हीट भैया। तो इतना हुआ c क्या भैया? इस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट है, m क्या भैया इनका मास है, और dt क्या भैया टेम्परेचर का चेंज है। तो हमने क्या लिया h की जगह पे cm dt लिख दिया dt ठीक है भैया, और उसके बाद ये जो था इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। यहां पर देखिए भैया इसकी मल्टीप्लाई देखिए, इसको और आगे एक्सपेंड किया ठीक है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया ठीक है भैया ठीक है। और उसके बाद ये जो सीएम था ये कांस्टेंट टर्म थी, इसके नीचे लाकर रख दिया ठीक है। अब देखिए भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये बन गया आपका। और मैंने बता दिया भैया अगर न्यूटन का न्यूटन कूलिंग लॉ अप्लाई करते हैं तो उस केस में सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और साउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, मतलब दोनों लगभग क्या होते हैं बराबर होते हैं। जब ये दोनों चीजें बराबर है तो यहाँ पर भी क्या होगा? टी नॉट क्यू लिख दो इसको, इसको भी क्या टी नॉट लगा दो, टी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, इसको टी नॉट भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, टी नॉट कर दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में। तो ये हो गया भैया। और आपका बता भैया ये क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? कॉन्स्टेंट रहता है। आपके दस चार पांच जूल हीट देने से या पचास जूल हीट देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसमें पॉइंट का भी फर्क नहीं पड़ता। तो पूरी टर्म क्या होगी भैया? कॉन्स्टेंट, टी नॉट कर दो इसको कोई दिक्कत नहीं ठीक है भैया। और उसके बाद हमने देखा कि यही तो क्या है भैया आपका न्यूटन्स कूलिंग लॉ है भैया, खत्म हो गया भैया न्यूटन्स कूलिंग लॉ ठीक है भैया। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं है क्योंकि ये इसकी एप्लीकेशन है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ के क्वेश्चन वही होंगे ठीक है भैया। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन नहीं है ज्यादा आपके, मिटो ना भैया इसको मैं लास्ट लिखी भैया। ठीक भैया लिखिए लास्ट, ओए ध्यान दीजिए भैया। देखिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, केवल छोटा सा लॉ है, कोई प्रूफ प्रूफ नहीं है इसमें। हाँ लिखिए भैया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अरे देख ले के इतना छोड़ देती है, पता नहीं है क्या? ओए वे लिखिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डब्ल्यू आई ई एन, डब्ल्यू आई ई एन, डब्ल्यू आई ई एन अपोस्ट्रोफी एस, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए भैया ठीक है, ये केवल लॉ है और ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, लेकिन लिखवा दे रहा हूं लास्ट टॉपिक है ठीक है भैया। लिखिए 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 वेन वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट दैट द वेवलेंथ, द वेवलेंथ corresponding to the, corresponding to which, the wavelength corresponding to which, corresponding to which, which the energy emitted by
द एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए भैया क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए भैया, कह रहा भैया ये बॉडी है, ध्यान दीजिए भैया, इसका टेम्परेचर क्या है भैया, टी है, इसका टेम्परेचर क्या है भैया, टी है। तो इससे क्या होगी भैया, बहुत सारी एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी, पता है ना भैया, एनर्जी रेडिएट होगी। तो इसमें ध्यान दीजिए भैया, इसमें जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, मान लीजिए बहुत सारी रेडिएशन निकल रही है, उसमें भी इस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या भैया, सबसे मैक्सिमम है, तो ये वेवलेंथ जो होगी वो इस बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली होगी, इस बॉडी के टेम्परेचर के, कह रहा भैया इस बॉडी का टेम्परेचर जितना कम होगा इस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा उसी का होता है जिसके पास एनर्जी क्या होती भैया, ज्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, पता नहीं भैया, एनर्जी इक्वल्स टू में क्या होता है भैया, एच न्यू, क्या होता है भैया, तो एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, न्यू होता है। तो भैया जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और आपको पता भैया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया कि ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है भैया कि आपका मान लीजिए कोई बॉडी है जो एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी लाइट की वो बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली होगी, मतलब जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर करोगे उसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या उतनी ही कम होती जाएगी, समझिए भैया, और जितनी इसका ये कम करते जाओगे वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी उसकी, उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है भैया, यही इसका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये जाएगा लैम्डा एम इक्वल्स टू में बी अपॉन में टी, पी क्या भैया, वेन्स कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है भैया, देखिए वेन्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो होती है भैया वो होती है 2.9 × 10⁻³ मीटर कैलविन, मीटर कैलविन, ठीक है भैया। तो ये आएगा भैया लैम्डा एम टी इक्वल्स टू में बी, ठीक है भैया, यही है वेन्स लॉ, ठीक है भैया, यही है वेन्स लॉ, ठीक है। चलो भैया चैप्टर खत्म हो गया, इसके ओए इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको भेज दूंगा, ठीक है भैया, जो क्वेश्चन करा रखे उनको ज्यादा करना, मिलते भैया अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।